अब जो पढ़ने जा रहा है, कुछ साम्स बचा हुआ था क्लास 7.2 का, वो आज मैं शुरू करने जा रहा है। तो देखो, एक साम्स एक्सरसाइज 7.2 का है, उसका बारे में काम करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 32। वेरी गुड साम्स है ये, वो ध्यान से समझो इंटीग्रेशन का हर स्टेप को। राइट, क्या होता है देखो, देता है कि आई इज इक्वल टू दिया गया है कि डीएक्स इंटीग्रेशन ऑफ, हम ऐसे क्या एज्यूम किया है, ये थोड़ा स्मार्ट साम्स है, इतना समय हम लोग जो साम्स किया था जरा सा हटके है। समझो फास्ट, ठीक है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है। तो इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन शुरू करने के बाद देखो 1 प्लस कॉट एक्स का फॉर्मूला हम लोगों के पास है ही नहीं। तो व्हाट शुड यू डू, कि 1 प्लस कॉट एक्स मतलब क्या होता है, cos x / sin x में ब्रेक कर लो। तुम लोगों को बताया था ना क्लास 10 में, जब इंटीग्रल करता था, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो sin x और cos x में ब्रेक कर लेना। राइट, तो क्या होता है इसमें देखो कि ये ट्रिक्स होता है। हाँ, ये सब प्रैक्टिस करते करते तुम्हारे अंदर में आ जाता है। sin x * 1 करने से क्या होता है, sin x + cos x, और ये साइन एक्स क्या होता है, उठ के ऊपर में आ जाता है। याद रखो कि dx हम लोग ऑलवेज एंड में लिखते हैं, क्लियर है। अब क्या होता है देखो, 1/2 बाहर में लेके अंदर में ये 2 sin x को घुसा दो। ये एक ट्रिक्स है। बोलेगा सर हम कैसे पता चलेगा कौन सा संशय में क्या करना है, उसके लिए लंबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ये जब हो गया, आप ये 2 sin x को कैसे करके लिखेगा, देखो sin x + cos x + sin x - cos x, ठीक है। नीचे क्या था, नीचे sin x + cos x जैसा था वैसे ही लिखेगा, एंड हियर इज डी एक्स, राइट। हाँ, देखिए इसमें देखो, cos x - cos x होने से क्या होता है, sin x + sin x 2 sin x हो जाता है ना, उसको ही इस ढंग से लिखा है, इट इज अ ट्रिक्स। तो चलो, ये अगर हो जाएगा तो हम लोग इसको टूटा के लिख सकते हैं कि sin x + cos x / sin x + cos x, फिर +sin x - cos x / sin x + cos x, कैन आई राइट, लिख सकता है। तो देखो, ये अगर करोगे तो इसमें दिस पार्ट और दिस पार्ट कैंसिल हो जाता है, समझ में आ गया। तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो जो कर रहे ना, सारे आई इज इक्वल टू है ना, तुम्हें पता है ना, ये आई इज इक्वल टू हम लोग एज्यूम किया था। तो अब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x - cos x बाय sin x + cos x कर दिया। अब क्या करेगा हम लोग, देखो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, बताओ क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स लिख दिया प्लस ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वो पार्ट को हम लोग I1 पकड़ लिया, राइट। लेकिन जब भी तुम इंडेफिनिट इंटीग्रल करोगे ना, ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रल था है, तो इसको क्या करेगा, इसको तुम्हें एक कंस्टेंट तो लेना ही पड़ेगा ना, यू हैव टू टेक द कंस्टेंट, तो ले लिया C1। हम बोलते ना C C1 C डैश कुछ भी ले सकते हो, दूसरा अल्फाबेट लेता नहीं है इन जनरल, राइट।
तो जब ऐसा करते हैं तो अभी I1 को अलग से इंटीग्रेट करेगा। चलो कैसे कि देखो I1 मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो इसमें हाथी का पूछ लगाया नहीं मैं, बहुत बड़ा गलती है, वैसे टीचर का हाथ में गिरेगा तो कट के एकदम सारे मेहनत पानी में डुबा देगा। This, तो क्या हो जाता है, देखो ये जो पार्ट है ये तो I1 था, अब हम लोग क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई करेगा। कैसे, देखो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, राइट right? तो अगर ये हो जाता है एंड दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, राइट, डी टी बाई डी एक्स होता है। अब दोनों को शिफ्ट कराओ, साइड चेंज करो, या फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करो दोनों को। मान लो तुम इसका साथ, ध्यान से ये फंडा को देखो, मान लो तुम इसका साथ माइनस वन इंटू कर दिया और इसका साथ भी माइनस वन इंटू कर दिया, तो बनता क्या है, सिंपल सा बात है तुम्हें, बनता है देखो माइनस वन इंटू कॉस एक्स क्या बनता है, माइनस कॉस एक्स बनता है कि नहीं, और माइनस वन इंटू माइनस साइन एक्स क्या बनता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनता है, और ये साइड में क्या होगा, माइनस डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट क्लियर है। अब देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी होता है, क्लियर है पार्ट, तो देखो ये अगर होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई वन I1 is equal to, ये देखो साइज में देखो साइन एक्स डी एक्स ऑलरेडी है, उसका जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, इज नॉट इट, और बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उसको हम लोग क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, तो डी टी बाई टी क्या होता है, लॉग टी प्लस सी टू, राइट, लॉग टी प्लस सी टू लिख दो। तो आप देखो क्या करेगा हम लोग, माइनस लॉग टी प्लस सी टू हो गया आई वन का जगह में, राइट, तो क्या होता है इसमें, हाफ एक्स प्लस हाफ आई वन मतलब क्या हो जाएगा, तब तो सिंपल सा बात है, इसमें माइनस लॉग टी प्लस सी टू प्लस सी वन, तो ये हाफ एक्स को ना, ये हाफ एक्स जो देखने के लिए सुंदर लगेगा, हम लोग एक्स बाई टू लिख सकते हैं, और ये प्लस इनटू माइनस बनता क्या है, माइनस हाफ लॉग टी, टी मतलब क्या पकड़ रहे थे हम लोग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इनटू माइनस हो गया, तो प्लस सी टू बाई टू प्लस सी वन हो गया, राइट, तो इसमें क्या हो जाता है, देखो x2 ये i इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x by 2 माइनस हाफ log sin x प्लस cos x प्लस c। इसमें लिखेगा बहुत ध्यान से कि where c2 by 2 प्लस सी वन इज इक्वल टू सी। समझ में आया, क्लियर है, हाँ, क्योंकि हमको सी से लास्ट में सी लिख देना है, सारे कंस्टेंट को इकट्ठा करके एग्जाम में सी लिख देना, समझ गए ना,
अभी ऐसे सी वन के सी वन सी टू सी थ्री सब निकलेगा, सबको लास्ट में इकट्ठा करके सी बना देगा। डन, क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट, अभी 30 मिसलिनियस 7 देखो, मिसलिनियस 7 जो हम इसके लिख के रखते हैं, बट आई वोंट सॉल्व क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस मिसलिनियस 7 इस लेवल के क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करो। और अगेन आई एम टेलिंग कि आरडी शर्मा जो बुक है वो बुक को खरीद के उसका एग्जांपल से प्रैक्टिस करो ये सब चैप्टर। फिर और एक बात है कि आर्यन का जो एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस है मार्केट में मिलता है, खरीद के प्रैक्टिस करो तो तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। गुड मार्क्स, वी विल अचीव अ गुड मार्क्स इन एंट्रेंस ऑल्सो। दिस इज सेम एज एग्जाम्पल 7 जो कि मैं ऑलरेडी तुम लोगों को करा चुका है, ठीक है? एग्जाम्पल 7.2 क्वेश्चन 30.57 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन को देखो कितना मजा है। क्वेश्चन में एक्स क्यूब टेन इन एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 क्या होता है? देखो इसमें हम लोग क्या करेगा, इसमें हम लोग एज्यूम करेगा पोट टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी, ठीक है? तो जब तुम डीएक्स बनाने जाओगे ना, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है जल्दी क्विक? 1 by 1 plus x square। x की और 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा क्योंकि tan inverse x का ये डिफरेंशिएशन था, तो हम लोग एक चीज दिखेगा। देखो x तो नहीं था इसमें, क्या था? x टू द पावर 4 था, उसका स्क्वायर, समझ गए? तो अभी x टू द पावर 4 जो है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि tan inverse x का डिफरेंशिएशन था, tan inverse x का डिफरेंशिएशन था 1 by 1 plus x square, पर tan inverse x टू द पावर 4 का तो नहीं। तो x की और 4 का है उसमें क्या होता है, 4 x क्यूब बेसिकली dt by dx, राइट? अगर ये हो गया तो मतलब 4 x क्यूब ये dx को इधर उठा दो, देखो इसमें हाथी का पूंछ निकलने में भूल गया था, भूलना नहीं है। और इसमें क्या होता है 1 plus x to the power 8 इक्वल टू डी टी, लेकिन एक बात है तुम लोग दिखाई दे रहा होगा कि देखो ये जगह में 4 नहीं है, तुम्हारे पास ये पार्ट है लेकिन इसे 4 एब्सेंट है, व्हाट शुड यू डू? कुछ नहीं है, 4 को इधर लेके आ जाओ, तो क्या करेगा एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 इंटू डी एक्स, और इसमें क्या होता है 1 बाई 4 डी टी। तो देखो ये 1 बाई 4, और एक चीज ऑब्जर्व करो, ये एक्स क्यूब, ये 1 बाई एक्स टू दी पावर 8 और ये डी एक्स, ये मतलब क्या लिख सकता है 1 बाई 4 डी टी लिख सकता है ना? और इसमें साइन टी हो गया ये, अभी साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी होता है, राइट? प्लस सी माइनस हाफ कॉस टी, मतलब क्या पकड़ा था हम लोग, टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, एंड हियर इज योर आंसर। हम लोग ये हाफ कॉस, सॉरी सॉरी, ये 1 बाई 4 होगा। हाँ, ठीक है, क्लियर है पार्ट? नाउ वी आर मूविंग टू द 7.3 एक्सरसाइज।
7.2 का काफी सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिसलेनियस जो कि 7.2 रिलेटेड है वो हम पढ़ा दिया. नेक्स्ट वी आर शिफ्टिंग टू द 7.3 एक्सरसाइजेस. चलो करेगा हम लोग इसको. इसका हेडिंग लगाओ कि इंटीग्रेशन. मैं तुम लोगों को कल बताया था ये चीज की ये चैप्टर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास 11 में फॉर्मूला सीखा था वो फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में रखना बहुत जरूरी है. इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. क्या करेगा एक्सरसाइज 7.3 का देखो. 3 एक इंटीग्रेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का. कॉस 2x कॉस 4x और कॉस 6x डीएक्स. हम लोग क्या करेगा इसको, हम लोग ऐसा करेगा बाहर में हाफ कॉमन लेके अंदर में 2 को घुसा देगा. इस क्लियर है लॉजिक. आप देखो हम लोग मालूम ही है कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है. cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी ये है. तो देखो अगर ये हो गया तो इज इक्वल टू, देखो इसमें ना बीच में इज इक्वल टू साइन नहीं है सो डोंट गिव इंप्लाइज साइन, ऑलवेज गिव इज इक्वल टू साइन राइट. तो क्या होगा देखो इसको हाफ cos 2x जो है cos 2x को इंटैक्ट रख के हम लोग क्या कर सकते हैं cos a प्लस बी मतलब क्या हो जाता है cos 2x प्लस 7 6x क्या होगा 8x हो जाएगा. समझ में आया ये फॉर्मूला है ना यूजिंग. फिर cos 4x माइनस 6x क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा. ये सर नो बोलो देखो cos माइनस थीटा का मतलब क्या है cos माइनस थीटा का मतलब क्या है cos थीटा. cos 8x प्लस cos 2x cos माइनस थीटा मतलब cos थीटा ही होता है ना. तो देखो हाफ जो था वो हाफ के साथ और एक हाफ कॉमन लो फिर तो अंदर में क्या घुसेगा 2 cos 2x cos 8x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x. बताओ समझ में आया या नहीं. और क्या होता है लास्ट में ऑलवेज हाथी का पूंछ लगा देते हैं. हाथी का पूंछ लगाना जरूरी है मिस हो जाता है हम भी मिस कर लेते हैं लेकिन तुम लोगों के लिए सत्यानाश हो जाएगा. एग्जाम में ऐसा टीचर मिलेगा हाथी का पूंछ नहीं दिखाई दे रहा सो काट के सारे मेहनत को पानी में डाल देगा. मिलता है एग्जाम टीचर ठीक है. सो देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है बताओ. सिंपल सा बात है a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी. तो 2 प्लस 8 मतलब क्या हो जाएगा cos 10x और 2 माइनस 8 मतलब क्या होगा 2 प्लस 10x हो गया. अभी 2 माइनस 8 क्या होगा. अच्छा इस जगह में एक गलती किया था हम. 6 प्लस 4 क्या होता है. टेन होना चाहिए ना है कि नहीं. तो ये गलती इधर भी सेम गलती हुआ है
इधर भी सेम गलती हुआ है, तो ये 10 है तो इधर भी 10 हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, 10 प्लस 2 बनता है क्या 12x, प्लस कि इसमें क्या होता है cos 2x माइनस x क्या होता है cos माइनस 8x, समझ में आ गया, प्लस 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x होता क्या होता है कि 1 प्लस cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है वो जानना जरूरी है, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 2 cos स्क्वायर 2 थीटा मतलब क्या होगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, ठीक है। लगा दिया dx, अब क्या होता है देखो, अब मजा देखो, इसे हाँ हाँ क्या बोलो, 1 प्लस cos का थीटा क्या होता है, ये देखो तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस, देखो cos माइनस थीटा मतलब क्या होता है cos थीटा होता है, हम लोग मालूम है ये चीज, इंटीग्रेशन cos 8x प्लस 1 बाय 4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1 बाय 4 इंटीग्रेशन cos 4x, सबका देखो पूछ लगाओ, देखो हम भी मिस कर रहे हैं तुम लोग, लेकिन मिस नहीं करना है, पक्का। अब क्या करते हैं देखो, इंप्लाइज 1 by 4 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या है sin x, तो cos mx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें क्या cos 12x था तो हम लोग क्या लिखेगा, obviously sin 12x तो लिखेगा ही, हम बोलता है ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑपोजिट होता है, तो उसमें क्या करता 12x को भी डिफरेंशिएट करता था, इंटीग्रेशन को भी 12x को डिफरेंशिएट करता था, उस तरह में अभी क्या करेगा 12x क्या होता 12 बन जाता, 12 मल्टीप्लाई होता था ना, याद है cos 12 का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin 12 होगा, डिफरेंशिएशन बोल रहा है हां, cos 12x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस डिवाइड dx ऑफ cos 12x, क्या होगा माइनस sin 12x, और उसका क्या करेगा फिर 12 को इंटू हो जाएगा, ऐसा होता है ना इंटीग्रेशन के, तो उसका ऑपोजिट इधर क्या होगा तो डिवाइड हो जाएगा, याद रखना उसमें इंटू होता था इसमें डिवाइड हो जाता है, सिमिलरली बाकी का भी वैसे ही करते रहेगा, प्लस 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 8 कॉस 8x प्लस 1 बाई 4 x प्लस 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 4 साइन एक्स साइन 4x प्लस सी, तो क्या हो जाता है कि देखो 1 बाई 48 साइन 12x प्लस 1 बाई 32 कॉस 8x प्लस 1 बाई 4x प्लस 1 by 16 sin 4x plus c, समझ में आया, क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत थोड़े से बताओ क्लियर किया जाएगा, तो इसको सुंदर करके सजाने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1 by 4 को कॉमन ले सकते हैं, अगर 1 by 4 को कॉमन लोगे तो क्या बनता है 1 by 12 sin 12x plus 1 by 8 cos 8x plus 1 by 4 उठा लो तो x रह जाएगा,
प्लस इसमें क्या होगा 1/16 जो है 1/4 साइन 4x हो जाएगा एंड डेल प्लस थी राइट। सो ये नेक्स्ट सम्स में जाते हैं, कोई दिक्कत है किसी का ये समझने के लिए? नेक्स्ट सम्स में जाता है क्वेश्चन नंबर 4 7.3 This, इसको क्या करते हैं देखो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और साइन 2x प्लस 1 साइन क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, सिमिलरली साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। ये हो गया। अभी साइन स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसे बाहर में क्या हो गया? साइन 2x प्लस 1 हो गया और इधर dx। तो इसमें क्या हो जाता है देखो, ये जो 1 माइनस लिखा है हम लोग ना, इधर से अभी तुमको सब्स्टिट्यूशन को यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे होता है, पुट कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो क्या होता है कि देखो माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन 2x प्लस 1 फिर 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करो क्या होगा 2 होगा और इधर dx लिखो इधर dt हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या होता है साइन 2x प्लस 1 इंटू dx, देखो इधर कोई 2 का इधर नहीं था, ये जगह में 2 नहीं था तो इसलिए माइनस 2 को इधर लिख दो माइनस 1/2 dt। तो इसे क्या लिख सकता है माइनस 1/2 और इसमें क्या होता है इंटीग्रेशन cos t, cos 2x प्लस 1 को हम लोग t पकड़ा था तो इसमें क्या होता है 1 माइनस t स्क्वायर। और साइन एक्स ये जो पार्ट है साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स उसको क्या पकड़ेगा, उसका जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस हाफ डी टी जो इधर लिख रहा था हम लोग राइट। समझ में आया? माइनस हाफ इधर डी टी लगा दो। अगर ये लगाओगे तो दैट मीन्स हम लिख सकते माइनस हाफ इंटू डी टी और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या होता है प्लस हाफ इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो क्या हो जाता है कि माइनस हाफ डी टी के इंटीग्रेशन क्या है टी, प्लस हाफ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो इसमें टी मतलब क्या है हमें पता है ऑलरेडी, हम क्या अज्यूम किया था माइनस टी मतलब हो गया माइनस कॉस टी मतलब तो कॉस 2x प्लस 1 पकड़ा माइनस इधर लिखा हुआ है बाय 2 3 2 जा 6 मतलब प्लस 1/6 कॉस क्यूब कॉस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी हो जाता है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चलो कोई दिक्कत बताओ मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तुम लोग तो यार नेक्स्ट सम्स में जाता है। हर सम्स चुना जाता है उसको, ऐसा नहीं है कि हम हवा से उठाया और सम्स कर दिया, ऐसा नहीं है। हर सम्स को काफी उसका बड़ा से वर्क करता है, वो ज्यादा ही वर्क करके उसको नहीं ये सम्स मेरा बच्चा को कर देना चाहिए। तो इसलिए हम जो सम्स कर रहे हैं उसको पहले प्रेशर उसको सीखो, अच्छा से प्रैक्टिस करो जो कि खुद से करने का हालात में तुम रहोगे एनी डे एनी टाइम तुम उसको कर ले। तो जब वो हालात तुम पहुंच जाओगे उसका बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज एज वेल एज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का प्रैक्टिस करना।
ठीक है, ऐसा वे में चलोगे तो यू विल मेक अ गुड रिजल्ट, अगर ऐसा वे पे नहीं चलोगे तो मुश्किल है, उसको तो मेरा आइडिया नहीं है नहीं चलने से क्या हो सकता है। टेन, जैसे देखो ये और एक साम्स है, साम्स बहुत आसान है लेकिन समझना पड़ता है साम्स को क्या होता है। इसमें हम क्या करेंगे, 1/4 ले लेगा, इसमें 4 साइन टू द पावर 4x dx, तो इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx। 2 साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर dx। अब क्या करेगा, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो तो जानना जरूरी है, दैट इज व्हाट, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, और इसमें क्या होगा dx हो गया। अगर ये हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस ये 2 जो था 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म, इसको इंटीग्रेशन डिफरेंस करने का फायदा नहीं है, तो इसमें क्या होता है cos 2x प्लस इसमें क्या होता है 1/4 cos स्क्वायर 2x, 1/4 cos स्क्वायर 2x, ठीक है। तो अगर ये करोगे तो क्या होता है, देखो इसमें इसमें 2 और 4 क्या होता है काटने से क्या होता है 2 आ जाता है। आप क्या करता है देखो, इस इक्वल टू 1/4 इसको रखो ऐसा करके dx माइनस माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, देखो प्लस 1/4 था, देखो इसमें 1/2 एक एडिशनल लो, सो दैट यू कैन राइट 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x लिख सकते हो dx, राइट। अब देखो क्या होता है, मैं हम लोग इंटीग्रेशन में पड़ेगा ना, कोशिश करेंगे सारे इंटीग्रेशन को एक साथ करने के लिए, हाँ प्लस 1/8 और इस पे क्या करेगा 2 cos स्क्वायर 2 मतलब 1 प्लस cos 4x dx। तो देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला क्या है, x होता है माइनस माइनस 1/ cos 2x मतलब cos 2x का क्या होता है साइन 2x होता है, डिफरेंशिएशन में 2 इंटू होता है, इसमें क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है 1/8, ये 1 का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, प्लस इसमें क्या होता है 1/8 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 4x, और उसका साथ क्या होगा 1/4 आ जाएगा इधर, एंड देन वी कैन राइट प्लस c। अभी इसको थोड़ा सुंदर करके लिखना है, इसमें क्या होता है देखो x by 4 बहुत क्रूशियल है ये पार्ट, माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8 साइन 2x, वन बाई फोर साइन टू एक्स हो गया इसमें, फिर क्या होता है एक्स बाई एट हो गया, और प्लस इसमें क्या होता है 1/32
साइन टू एक्स होगी, 1/32 साइन 4x हो जाता है प्लस सी। अब देखो ये जो दोनों पार्ट है ना x बाई फोर और x बाई एट, इसको शुरुआत में रखो x बाई फोर प्लस x बाई एट माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी, तो क्या हो जाता है इसमें 4 8, इधर 8 रह गया, 8 प्लस 4 के अंदर 2, 2 इंटू 1 बनता है 2x, और 2x आगे इंटू 2 इंटू x, 2x बन गया, 8 बाई 8 क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू x, x हो जाता है माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी। तो देखो इसमें क्या हो जाता है कि 3x by 8 minus 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus c। बताओ ये समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत होने से बताओ, क्लियर किया जाएगा ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसका ऊपर? एक बार देख लो ये सम्स को फुल्ली जो तुम लोग किया है, कई जगह पर पूछना है कि नहीं, फिर हम नेक्स्ट सम्स में जाते हैं, चेक करो। दिस काइंड ऑफ सम्स इज कॉल्ड द मल्टीडिसिप्लिनरी सम्स। दूसरा चैप्टर का लॉजिक इंटीग्रेशन में काम में आना है। क्या चैप्टर है इसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सीखा है साइन इनवर्स साइन एक्स, मतलब क्या होता है एक्स होता है, लेकिन साइन इनवर्स कॉस एक्स तो कुछ कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर लिया, साइन इनवर्स कॉस एक्स का जगह में हम लोग लिख दिया साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, लिख सकते हैं बताओ, लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं ना, 90 माइनस थीटा cos का मतलब sin 90 माइनस थीटा, वही तो लिखा है अवेलेबल 90, तो क्या हो जाता है देखो अगर sin इनवर्स ये जो पार्ट है तो ये sin x होगा, तो इसको क्या लिखेगा pi by 2 माइनस x बाहर निकल के आ जाएगा, तो इसमें क्या होता है pi by 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो इसमें क्या होता है पाई बाई टू, उसके बाद क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, दैट इज योर आंसर। अनदर एक साउंड है, देखने से बहुत भयानक लगता है बट ये साउंड बहुत ही आसान है, जितना भयानक लगता है वो ठीक उतना ही आसान है, एक सैमसंग लोग करने जा रहे हैं, ये इधर यूज किया था, ये लॉजिक इधर लगा है, साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब थीटा होता है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x minus cos 2 alpha by cos x minus cos alpha, that is dx. तो देखो implies cos 2x मतलब क्या होता है 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1 minus cos 2 alpha मतलब क्या होता है 2 cos square alpha minus 1 by क्या होता है cos x minus cos alpha dx, तो आप क्या होता है देखो integration of 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha plus 1
by cos x minus cos alpha dx पकड़ के रखो, और ये क्या था प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसे टू कॉमन ले लो, तो उसमें क्या होता है कि cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा होता है। बाई हम लोग लिख सकता है क्या cos x माइनस cos अल्फा dx, राइट। तो देखो एक सिंपल सा फंडा है, इसमें काम करते हैं, टू तो रखा हुआ है, s का मैंने डिस्कवर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बाई क्या होता है cos x माइनस cos अल्फा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इधर रह गया dx, इधर रह गया dx। सो व्हाट शुड वी डू, तो बहुत आसान है, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं इसमें टू cos x dx प्लस टू cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो सिंपल सा बात वही है कि cos x जो है उसका इंटीग्रेशन क्या है sin x है कि नहीं, और cos अल्फा जो है वो तो कॉन्स्टेंट टाइम है, इसीलिए इंटीग्रेशन का बाहर लिखा है। इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब क्या होगा 2x cos अल्फा और देन प्लस c। आई होप इट इज समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट sums, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आधा आसान sum है, वन मार्क क्वेश्चन आता है इधर से। तो इसमें sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx कैसे करेगा, बहुत आसान है अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखिए, हाथी का पूछ लगाना बहुत जरूरी है। तो देखो बात ऐसा हो जाता है ना कि नहीं ऐसा करो, ये इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरी नहीं है, इसको ना ये लाइन को ऑफ रख, बहुत सिंपल से हो जाता है, कॉम्प्लेक्स क्यों करने जाएगा, मेरा सिंपल से हो जाता है। तो देखो ये और भी सीधा काम है, साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, देखो हाथी का पूछ लगा दिया, अभी क्या होता है cos क्यूब x by sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, टूटा दिया ठीक है। तो क्या करेगा अभी sin स्क्वायर x और sin क्यूब x काटने से क्या होता है sin स्क्वायर x होता है, sin x होता है, सिमिलरली cos क्यूब x cos स्क्वायर x काटने क्या होता है cos x हो जाता है। सो देखो इसमें हम लोग क्या लिख रहा है कि साइन एक्स
by cos square x dx plus integration of cos x by sin square x dx कर्ण, ये अगर हो जाएगा तो देखो, ये देखो cos square x है ना, उसको cos into cos लिख सकता है ना, तो 1 by cos मतलब क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, और दूसरा cos क्या होगा, sin cos मिलके क्या बनता है, sin by cos मिलके tan x बनता है, और इसमें क्या होगा, देखो दो ठो sin है, एक sin मतलब हो जाता है cosec x, 1 by sin मतलब cosec, और दूसरा sin जो है cos by sin करके क्या बनाते हैं, cot x बनाते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन किए नहीं, किधर और फिगर आया होगी, तो sec x tan x किसका इंटीग्रेशन है, sec x का, cosec x cot x किसका इंटीग्रेशन होता है, cosec का, माइनस cosec का होता है, ठीक है, एंड प्लस सी, ठीक है, इट इज योर आंसर. नेक्स्ट सम्स पे चला जाता है, इट इज अनदर वन वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट सम्स टू, 7.3 इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22. हर क्वेश्चन चुना जाता है on the basis of previous year's students doubts, ठीक है, so as well as important questions, हम लोग क्या करेंगे इसको 1 by sin x minus b इसको बाहर से लिखा था कहूँगा, ये एक tricks है, ये sums का tricks वही है, 1 by sin x minus b, x minus b नहीं है, a minus b लेगा हम लोग, हाँ It is a tricks. So, इधर अगर 1 by sin in 1 by sin a minus b लिखेगा, इसमें भी sin a minus b करना पड़ेगा अंदर में. dx तो था ही. आप क्या करेंगे देखो cos x minus a cos x minus b. आप क्या करेंगे हम लोग 1 by sin a minus b रखा हुआ है. अभी sin a minus b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ब्रैकेट का अंदर में एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज दैट इज डी एक्स और बाई क्या होगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए क्या होता है एक्स माइनस बी माइनस x माइनस ए क्या होता है x माइनस बी माइनस x प्लस ए x और x कट जाता है तो क्या होता है ये माइनस था बनता क्या है a माइनस b बनता है क्लियर है सो आप क्या करेगा देखो साइन ए ए और ए बी साइन ए बी का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है जो क्लास 11 से सीख के आया हम लोग साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए और इसका नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस बी होगी अब देखो कैसे करके हम इसको छोटा बनाते हैं अभी कैसे करके हम इसको छोटा बनाते हैं ये चीज सुन लो मार्किंग नहीं करना है एग्जाम का समय मार्किंग मत करो खुद को समझ में मार्किंग करो देखो ये दोनों जो पार्ट है फिर एक पार्ट हम ऐसा किया है दूसरा पार्ट ऐसे पार्ट करेगा देखो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी बाहर में तो वन बाई साइन
ए माइनस बी था, तो इसमें क्या होगा, इसका अंदर में क्या होगा, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी बनता है टेन एक्स माइनस बी, डी एक्स, और देखो कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कैंसल्ड हो जाता है, समझ में आया कि नहीं, और ये साइड पे जब देखेगा देखेगा कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कैंसल्ड हो जाता है, तो क्या रह जाता है, टेन एक्स माइनस ए डी एक्स रह जाता है, राइट। तो इसका फॉर्मूला हम लोग सीखा था, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग सीखा था, टेन एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है उसका बारे में तो डिस्कशन भी किया था, मतलब पुराना वीडियो देखोगे पता चलेगा कि क्या डिस्कशन हम किया था उसमें। हम लोग ये डिस्कशन किया था ना, हम लोग ये डिस्कशन किया था इज इक्वल टू वन बाई साइन ए माइनस बी, और इसे क्या होता है देखो टेन एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम लोग याद किया है, हाँ, लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स, अभी एक्स माइनस बी का तुम अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वन ही आ जाता है, डिफरेंशियल में तो वन ही आ जाता है, तो इसीलिए एक्स माइनस बी लिख दिया, और माइनस टेन एक्स माइनस ए का क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, दिस और इंटीग्रेशन डन, सो प्लस सी लगा दो, इन दैट केस क्या होता है वन बाई साइन ए माइनस बी, अब क्या होता है देखो ये जो माइनस और माइनस तो क्या होता है माइनस ही था बोलो, तो ये जो होता है माइनस इन माइनस क्या होता है प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है माइनस इन माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और इधर क्या होगा माइनस लॉग कॉस ए माइनस लॉग, इसको ब्रैकेट ना मत लगाओ, लेकिन मेरा सुंदर नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग इस पे क्या था माइनस में माइनस प्लस कॉस एक्स माइनस ए, और ये माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बताओ, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है लॉग ए माइनस लॉग बी का, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, सो व्हाट शुड वी राइट, अच्छा इसको मैं इसका अंदर में रखना चाहिए मोड साइन का अंदर, तो अभी क्या हो जाएगा लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, क्लियर है समझ में आया, कहां पे तकलीफ है बोलो, कोई जगह है जहां पे तकलीफ हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस 10 इयर्स खोल के देखो, तुम्हारा ऐप पे लग रखा हुआ है प्रीवियस 10 इयर्स खोल के देखो, ये सब सम्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये सब सम्स मिलेगा, ठीक है सब तुम्हारा हाथ में है, सिर्फ पढ़ना ही है। नेक्स्ट, और ये एक्सरसाइज का लास्ट सम्स हम करेगा 24, छोटा सम्स है, वन मार्क के लिए आते हैं, देखने के लिए बहुत भयानक है बट जो कि भयानक है ही नहीं, e to the power x 1 plus x by cos square e to the power x minus x cos square e to the power x
इनटू एक्स, ठीक है, बाय डीएक्स। तो क्या होता है, ये जगह में जाओ, पुट एक्स ई एक्स इज इक्वल टू टी। हम एक्स ई एक्स बोलो या ई एक्स एक्स बोलो, बात तो बराबर ही है, इनटू ही है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, यूडी मेथड, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन, तो ई टू दी पावर एक्स लिखो प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स, ब्रैकेट का अंदर में लिखो दिस इज डी एक्स दिस इज डी टी। बताओ समझ में आया कि नहीं, राइट? क्यों नहीं समझ में आया? हम लोग ये मालूम है तो क्या होता है, e to the power x को फिक्स रखो, डिवाइड dx into x प्लस, अभी x को फिक्स रखो, डिवाइड dx into e to the power x, है ना। तो x का डिफरेंस ये तो 1 होता है, तो e to the power x प्लस x e to the power x, ये लॉजिक समझ गए। सो अगर इधर होगा, ये लॉजिक हमने यूज कर लिया, इधर यूज कर लिया, आप क्या करेंगे, दोनों से ना इंप्लाइज ई टू दी पावर एक्स को कॉमन लेना, बनता क्या है, वन प्लस एक्स बनता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाता है। क्लियर है पार्ट? ई टू एक्स को कॉमन लेने से तो देखो ये ई टू दी पावर ये वाला जो पार्ट है ना, इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय इसमें ई टू दिवर एक्स, ई दिवर एक्स और एक्स का हम लोग टी पकड़ा था, तो इसका नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर टी ऊपर में जाने से क्या होगा, सिक्स स्क्वायर टी डी टी हो गया। सिक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या है, टेन टी प्लस सी, और टेन टी टी जो है उसका हम लोग क्या पकड़ेगा, एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट हम लोग ये करने जा रहे हैं, क्या होता है, इंटीग्रल्स यूजिंग 7.4 का जो लॉजिक था ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो नेक्स्ट डे का क्लास अटेंड करने का पहले ये सब को जो है प्रैक्टिस करके आओगे, ऐसे करके जो कि मेरा सामने बैठ के करने का हालत में रहोगे, ठीक है। बट और एक बात है कि नेक्स्ट डे का क्लास अटेंड करने का पहले ये फॉर्मूला को रट के आओ, dx by 1 x square minus a square is equal to 1 by 2 a log x minus a by x plus a plus c obviously. Number 2, integration of dx by a square plus x square, a square minus x square, a square minus x square, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 by 2a log a minus x by a plus x plus c। Number 3, integration of dx, x square plus a square, या फिर बेटर टू राइट इस ढंग से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो उसका वैल्यू होगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर पॉइंट फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square is equal to क्या बनेगा, sin inverse x by a plus c।
पॉइंट नंबर फाइव फॉर्मूला नंबर फाइव इंटीग्रेशन डीएक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बनता है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला नंबर सिक्स दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे करके डीएक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगाओगे ना उसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर सेवन लास्ट बट नॉट लीस्ट उल्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम अलग से सिखाएगा फिर भी ऐसा होता है कि ऐसा अगर तुम कभी इक्वेशन मिलेगा सो पी एक्स प्लस क्यू इंटू डीएक्स बाय अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लगाओगे तो इसमें क्या होता है लिखो ए एक कांस्टेंट टर्म है इसको फॉर्मूला याद रखो पढ़ने का समय दिखाऊंगा कैसे यूज होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। तुम्हें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का 2ax प्लस बी और इससे प्लस बी हो सकता है। ये फॉर्मूला याद रखो समस्या करने से समय में हम इसको इम्प्लीमेंटेशन दिखाएगा आसान है बहुत आसान फॉर्मूला है वो साम्स करके तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है दिस इज लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर दिस एक्सरसाइज ओनली तो सारे फॉर्मूला जो है इसको रट के आओ तो तुम्हारा लाइफ थोड़ा इजी होगा लिख लिख के प्रैक्टिस करके आओ तो तुम्हारा लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा फॉर 7.4 एक्सरसाइज एज वेल एज 7.5 के लिए कुछ कुछ एक्सरसाइज टर्म्स है। ठीक तो आज इतना ही रखते हैं अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।